एक आदमी गया भगवान के मंदिर में मान्यता मानने, हे प्रभु मुझे 50,000 का फायदा हो तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ले पहले ही चढ़ा दे। बोले पहले नहीं, ना हुआ फायदा तो 5 तो बेकार जाएंगे, जब हो जाएगा तब। संयोग से फायदा हो गया, अब गया प्रसाद चढ़े, सोचने लगा इसमें भगवान ने कराया फायदा क्या, ये तो चांस की बात है। फिर सोचा अगर भगवान ने कराया होगा तो फायदा होगा नहीं, चलो चढ़ा देते। लेकिन अब गया, सोचा कितना चढ़ाऊं, 5 के हिसाब से आए तो बहुत हुई है। तो उसने रेखा खींची है और बोला, हे भगवान मैं पूरे के पूरे पैसे तुम्हारे चरणों में फेंक रहा हूं, चरणों में चढ़ा रहा हूं, और जो रेखा के उधर गिर जाए सो तुम्हारे, इधर गिर जाए सो हमारे, पर फेंकना तो अपने ही हाथ में था। ऐसी चतुराई से फेंके 2-4 सिक्के उधर बाकी इधर, हाथ जोड़ के बोला, भगवान बड़े कृपालु हो, थोड़े से लिए आपने, बाकी सब बटोर कर चलने लगा। उसके पीछे उससे भी ज्यादा होशियार आदमी खड़ा था, वो कहने लगा, हे भगवान ये रेखा खींचकर हम अपने और आपके बीच में भेद पैदा नहीं करेंगे, जो आपका सो हमारा, लेकिन एक बात सुनो। क्या? उसने रेखा मिटा दी। हे भगवान आप ऊपर रहते हैं, हे ऊपर वाले ये पूरे के पूरे पैसे ऊपर तुम्हारे नाम पर चढ़ाते हैं, जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारे, जो नीचे गिरे सो हमारे। अब बोलो ऊपर तो रहने वाले हैं नहीं, भगवान को दिमाग से नहीं दिल से मानो, और यही कहो कि प्रभु आपने बहुत दिया, इतना दिया। इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो तेरा कर्म है दाता, मुझ में ऐसी बात नहीं। और घर छोड़ने की बातें सुनकर हम लोग इतने तैयार हो गए हैं कि भगवान से जुड़ने की बात हमें याद नहीं रहती, मन को भगवान से जोड़ने की तो बात हम सोचते ही नहीं, हम तो घर ही छोड़ने की बात सोचते हैं, हमारा जोर छोड़ने पे है। अच्छा जो छोड़ते हैं वे भी भैया ऐसे अद्भुत, तो एक सज्जन हमें मिले, वो जिसने घर छोड़ा गए ही नहीं। मैंने उनसे निवेदन किया, हमने कहा महाराज औरों के घरों में जाते हो कि नहीं, बोले जो बुलाता है सो जाते हैं। हमने कहा जब औरों के घरों में जाते ही हो तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था, जो क्या बिगाड़ा था उसने। बोले नहीं 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 नहीं, वो तो मैं छोड़ चुका, तो छोड़ दिया। और आज मालूम कितने दिन हो गए, आज हिसाब लगा के बताएं हमें 11 साल 6 महीने 3 दिन हो गए, इतना भी याद है कितना दिन हो गया छोड़े, हम नहीं जाते। तो हमने कहा क्यों नहीं जाते, अरे बोले हमारे सदग्रंथों ने संतों ने कहा है छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो हमने कहा कि छोड़ने के बाद भी अपना घर, अच्छा सोचो छोड़ने के बाद भी अपना घर, फिर छोड़ा क्या है, छोड़ने के बाद भी घर अपना ही है। अरे इसका मर्म समझे, कबीर दास जी ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, जो घर में आग लगाए हमारे साथ चले, मसाल लिए खड़े हैं। तो एक आदमी ने कहा हमें दो मसाल, चला घर फूंकने। कबीरदास जी बोले होश में जाना, बोले हाँ होश में जाना, अपने ही घर फूंकना, बोले हाँ अपने ही फूंकेंगे, बोले तुम्हें पता है, बोले हाँ पता है, जाओ। अब रास्ते में वो सोचने लगा कि अपना घर फूंके हैं, लेकिन मंदिर में तो हम रोज कहते हैं तन मन धन सब तेरा, हे भगवान तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा, तो भगवान का है कि हमारा है, और हम फूंकने जा रहे हैं।
लौटकर बोला कि महाराज समझ में नहीं आता भगवान का है कि हमारा हम फूंकने जा रहे हैं। कबीरदास जी बोले अब तुम समझ गए, यही फूंकना है, जिसे तुम अपना मानते हो उसे भगवान का मानने लगो, यही फूंकना है, हमारा नहीं है। अच्छा फिर एक अजीब बात है, जब हमारा है ही नहीं तो हम त्यागने वाले कौन होते हैं? हमारा हो तब तो छोड़े, या हमारा है ही नहीं, है ही भगवान का, तो छोड़ने की जरूरत क्या है? बस ये याद बनी रहे कि हमारा नहीं है, भगवान का है। भगवान कहते हैं इसी में कल